एक मैनपुरी में चुनाव प्रचार दिन प्रतिदिन तेजी पकड़ता दिख रहा है। मैनपुरी लोकसभा सीट पर डिंपल यादव के साथ उनकी बेटी अदिति यादव भी प्रचार में पसीना बहा रही है। मैनपुरी में समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी डिंपल यादव की बेटी अदिति चुनाव मैदान में डटी हैं। अदिति गांव-गांव मां डिंपल के लिए चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंकती हुई नजर आईं। मुलायम सिंह की पोती गांव-गांव जाकर मां डिंपल के लिए 7 तारीख को मतदान करने की अपील कर रही हैं। अदिति को मैनपुरी में जिसने देखा वो उन्हें आशीर्वाद देने से रोक नहीं पाया, क्योंकि वो बिल्कुल अपने पिता अखिलेश की तरह दिखती हैं और मां डिंपल की तरह लोगों से मिलती हैं। कड़ी धूप में प्रचार करते हुए चेहरे से मुस्कान गायब नहीं होने देती, हाथ जोड़कर लोगों से बात करती हैं, दादी चाची को झुककर प्रणाम करती हैं और उन्हें गले लगाती हैं। अदिति जिससे मिलती हैं उनका हाल पूछती हैं। मैनपुरी के लोग कहते दिखे कि कभी नेताजी मुलायम सिंह यादव उनसे ऐसे ही मिला करते थे जैसे आज उनकी पोती मिल रही हैं। चुनावों में जीत के लिए अदिति यादव महिला शक्ति को पहचान रही हैं। शायद इसीलिए वो वोट मांगते हुए चूल्हे चौके में बिजी महिलाओं के बीच जा रही हैं। गांव की गलियों में अदिति चक्कर लगा रही हैं। मर्सिडीज में चलने वाली अदिति चारपाई पर बैठकर वोटर्स के बीच अपनापन जता रही हैं। माइक थाम रही हैं तो लंबे चौड़े भाषण के बजाय एक वाक्य में मां डिंपल यादव को जिताने की अपील कर रही हैं। सौभाग्य था कि मुझे यहां आने का मौका मिला और अपनी बात रखने का मौका मिला। समाजवादी पार्टी ने हमेशा किसानों, महिलाओं और युवाओं के हक की बात करी है, इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि मैनपुरी के विकास के लिए हमारे समाज में समान अधिकार के लिए, सबके समान अधिकार के लिए और समान मौके के लिए आप आने वाली 7 तारीख को समाजवादी पार्टी को वोट दीजिएगा। हालांकि इस बीच सोशल मीडिया पर अदिति को एक वीडियो के लिए ट्रोल भी किया जा रहा है जिसमें उनकी बड़ी उम्र की महिला उनके पैर छू रही हैं। लोग लिख रहे हैं कि बुजुर्ग पैर छू रहे हैं, रोकना तो दूर, अदिति उधर देख भी नहीं रही। लेकिन ऐसा अक्सर होता है जब आप भीड़ से घिरे होते हैं तो आपका ध्यान अपने आसपास नहीं जाता। इन सब की परवाह किए बगैर अदिति मां डिंपल यादव के लिए कैंपेनिंग में जुटी हैं। मैनपुरी में कोई उन्हें चांदी का मुकुट पहनाकर स्वागत कर रहा है तो कहीं वो लोगों के लिए उनके कामों जैसे चारा काटने में हाथ बटा रही हैं, सरकारी स्कूलों के बच्चों के साथ समय बिता रही हैं। खैर, सियासत है, ये सब तो होना ही है। जनता को तय करना है कि मैनपुरी से इस बार किसे जिताना है।